नमस्ते। बच्चों को मोबाइल से कैसे बचाए और बच्चों को मोबाइल देना उचित है या नहीं है, हमारे इस वीडियो के प्रतिभाव में आप से हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला। सबने ये वीडियो बहुत पसंद किया और आधुनिक समय में देखे तो ये समस्या घर घर की समस्या है, हर माता की समस्या है, इसीलिए उसके ऊपर थोड़ा हमने प्रकाश डाला। इसके निवारण के लिए हमने थोड़ा बहुत प्रयास किया तो उसी के प्रतिभाव में हमें एक प्रतिभाव रूपी प्रश्न ऐसा मिला कि ये धीरे धीरे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको समझाइए कि बच्चों को मोबाइल से कैसे छुड़ाए, खास करके 1 से 5 साल के बच्चे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही गया कि लालयत तो पंचवर्षाणी, माने कि उस 1 से 5 साल तक के बच्चे को ऊंची आवाज़ में डांटना भी नहीं है। तो बिना डांटे, अब आदत लग ही चुकी है, तो बिना डांटे उसको कैसे उससे मुक्त करें। तो 1 से 5 साल तक की आयु ऐसी होती है कि बच्चा सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वो हर चीज़ अनुकरण से सीख रहा है, माने कि जैसा बड़ा करेंगे वो बच्चा करेगा। वो देखता है कि बड़े लोग कान पे मोबाइल रख के सुन रहे हैं, अब उसको पता नहीं है कि मोबाइल की टेक्नोलॉजी क्या है, वहाँ से आवाज़ आती है या नहीं आती है। आप किसी मोबाइल आकार के खिलौनों को भी दे दोगे ना तो सीधा कान तक ले जाएगा, कि उसको लगेगा कि ये मोबाइल है और इसमें से आवाज़ आएगी। तो वो देख देख के सब सीख रहा है। तो पहला चरण ये होगा कि जो भी बच्चे की संभाल रख रहा है, माने कि अधिकतर माता यही रखती हैं, वो अपने सेलफोन का उपयोग, अपने मोबाइल फोन का उपयोग तभी करे जब बच्चा सो रहा है, माने कि तभी वो कॉल कर ले, तभी व्हाट्सएप देख ले, तभी उसको यूट्यूब में जो कुछ भी देखना है देख ले। बच्चा उठा तुरंत ही मोबाइल छोड़ देना है। जैसे बच्चे के सामने कोई व्यसनी व्यक्ति व्यसन करे, स्मोकिंग करे, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मोबाइल का अति उपयोग करने वाला व्यक्ति भी यदि मोबाइल हाथ में लेके बच्चों से वीडियो कॉल में किसी से बात करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, तो उससे बच्चों का परहेज रखे, माने कि बच्चों को उससे दूर रखे। बच्चा देखेगा तो मांगेगा, ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि 1 से 5 साल तक के बच्चे को डांटने का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वो समझेगा नहीं, वो रोएगा, और उसकी जिद के सामने तो झुकना ही पड़ेगा, सबको झुकना पड़ेगा। और दूसरा रही बात खाने की, कि मोबाइल के बिना वो खाएगा नहीं, तो ये पहले भ्रमणा निकाल दीजिए। प्रत्येक जीव को, चाहे वो चींटी से लेके डायनासोर तक, सभी जीव भूख से प्रेरित होके खाते हैं। उसने यदि फीडिंग ज़्यादा कर लिया होगा, दूध ज़्यादा पी लिया होगा, कोई चुटर पुटुर नाश्ता किसी ने खिला दिया होगा, तो वो रोटी दाल चावल सब्जी नहीं खाएगा। एक आध दिन नहीं खाएगा तो वैसे कोई हानि नहीं होने वाली है। उसको कब्ज होगी, पेट साफ नहीं हुआ होगा, तो भी वो नहीं खाएगा। वो थोड़े ही बोल सकता है कि मुझे ये तकलीफ है इसीलिए मैं आज भोजन नहीं करूँगा। हम बड़े हों तो बोलते हैं कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा। उसको बहला के फुसला के खाने का प्रयास खिलाने का प्रयास कीजिए। यदि फिर भी वो नहीं खा रहा है तो छोड़ दीजिए 2-3 घंटों के लिए, कोई उसको कमजोरी नहीं आ जाएगी। लेकिन अपने इस फैसले पे दृढ़ रहे कि उसको मोबाइल दिखाते दिखाते खाना खिलाना नहीं है। उसको भूख लगेगी, स्वाभाविक भूख लगेगी, तो अपने आप खा लेगा। उसको बार बार खिलाने का प्रयास करते रहिए बिना फोन के। उसको कुछ अपने मुंह से भजन गाते हुए, श्लोक बोलते हुए, गाना गाते हुए, उसको बच्चों को, अब देखिए हम मानते हैं कि इतने छोटे बच्चों को क्या पता चलता है, लेकिन इतने छोटे बच्चे को भी हम उसका नाम लेके उसकी प्रशंसा करें ना कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा बोल बोल के उसको हम खाना खिलाएं तो, या फिर कोई ऐसा खिलौना पकड़ा के कि जिसमें उसका मन रमा रहे और वो खाने की चीज़ खा भी ले, उसको पता भी ना चले। तो वो खिलौना मोबाइल ना हो, वो खिलौना का वैसा यांत्रिक खिलौना भी ना हो, जैसे कि मोबाइल छोड़ के हम टैबलेट थबा लेंगे, मोबाइल छोड़ के हमको यांत्रिक खिलौना जो जिसमें बैटरी आती है, यांत्रिक कार तो आप सब समझ सकते हैं, यंत्र, कोई भी यंत्र चालन हो, ऐसा नहीं कोई भी और खिलौना जिसमें यंत्र ना हो, माने कि मशीन से चलने वाला, यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला या फिर सेल से चलने वाला खिलौना ना हो। आज इतने सारे खिलौने हैं, होते हैं, आ गए हैं बच्चों को खिलाने के लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि सभी खिलौने कोई ना कोई ऐसी वस्तुओं से बने हैं कि जो जिसको बच्चों से दूर रखना है। और इसमें साफ लिखा हुआ होता है बहुत खिलौनों के ऊपर तो, कि 36 मंथ्स के ऊपर के बच्चों को ही, यदि 36 मंथ्स माने 3 साल,
3 साल से छोटे बच्चों को कोई भी ऐसा यंत्र वाला खिलौना खेलने के लिए नहीं देना है, ऐसा साफ क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उत्पादकों के द्वारा। फिर भी बहुत घरों में शिक्षित माता पिताओं के द्वारा भी ऐसे खिलौने दिए जाते हैं, ना वो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कुछ देखते हैं, बच्चा बस यही सोचता है यही समझता है। उनका जो क्वेश्चन लिखने का कारण होता है वो उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मूल बात ये है कि हमें दृढ़ रहना पड़ेगा। और एक कमेंट बहुत अच्छी आई, मुझे अच्छी लगी कि पहले माताएं मोबाइल छोड़े, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक के, आपने आपके बहुत सारे संबंध और आपके बहुत सारे समवयस्कों के साथ आपकी बहुत सारी जमती होगी, आप मोबाइल का उपयोग करके कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे, जैसे कि हमारे ही वीडियो देख रहे हैं। लेकिन फिर भी खास करके 1 से 5 साल तक के बच्चों की माताएं, कम से कम बच्चा उसके पास है वो और किसी के पास खेलने गया है तब देख लीजिए, 5-10 मिनट छोड़ ही दीजिए, उसको पकड़िए ही नहीं, तो बच्चे को लगेगा कि औरों के लिए ठीक है, मेरी माँ तो इसका उपयोग नहीं कर रही है। और बच्चे को खुश रखने के बहाने और कोई भी बच्चे को कम से कम मोबाइल ना दे या कोई ऐसा यंत्र ना दे कि जिससे बच्चे की चेतना पे असर हो, बच्चे के शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर भी असर हो। हम बच्चे को ऐसे साधन दे के, हम बच्चे को ऐसे खाना खिला के, बच्चे को जंक फूड इत्यादि दे के हम बच्चे का हित कर रहे हैं, ऐसा यदि देने वाला नहीं समझ रहा है तो बच्चे की माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो उसको समझाए। वो फिर भी ना समझे तो उसको सख्त शब्दों में बोले कि मेरे बच्चे को ये मत दीजिए, उसको बुरा लगता है तो लगने दीजिए। ये जो आज चला है कि भाई बुरा लग जाएगा, तो वैसे कुछ भी नहीं करते हैं औरों को बुरा लग जाए ऐसी एक भी बात हम नहीं मुंह से बोलते हैं क्या? नहीं, हमें भी अंदर से अच्छा लग रहा है ये, तो ये सभानता से विचार करें और उसका अमल करें। और धीरे धीरे बच्चे को, जितना छोटा बच्चा होगा उतना कम समय लगेगा ये आदत से छुड़ाने में, ये मोबाइल देखते देखते खाने की आदत से छुटकारा पाने के लिए जितना छोटा बच्चा होगा उतना आपको सरल रहेगा। और जिन्होंने नहीं दिया है वो मेहरबानी करके कृपया ना दे, इससे बच्चों का बहुत ही हानि होती है। इस बात को गंभीरता से सोचिए और इसके ऊपर पूरा ध्यान रखे। बच्चे प्रेम के भूखे होते हैं, बच्चे को कोई भी साधन की जरूरत नहीं होती है मनोरंजन के लिए, बच्चे आत्मा सुख में रममाण रहने वाले होते हैं। उल्टा हमें बच्चों से ये सीखना है कि बिना कोई वस्तु से भी कैसे सुख में रहा जा सकता है, बिना कोई वस्तु से भी कैसे प्रसन्न रहा जा सकता है, ये गुण तो बच्चों से हमें लेने जैसा है। और हम कम आयु में ही उसको सुख के इतनी सामग्री थमा देते हैं कि दया आती है मुझे तो, कि इसको क्या बताएं हम। एक बच्चे की चेष्टाएं देखिए, एक कोई भी छोटे से बच्चे की चेष्टाएं देखिए, उसका अवलोकन कीजिए कि एक छोटी सी वस्तु से भी वो अपना खिलौना ढूंढ लेगा, वो चम्मच को खिलौना बना लेगा, वो कटोरी को खिलौना बना लेगा, वो गिलास को खिलौना बना लेगा। उसे कोई ऐसे खिलौनों की जरूरत नहीं है कि जिसमें बहुत सारा प्रपंच हो, ये सब हम अपने आप को खुश रखने के लिए कर रहे हैं, ये बात समझिए। हमारे पास पैसे ज्यादा हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को ज्यादा खुश रख पाएंगे, ज्यादा प्रसन्न रख पाएंगे, ज्यादा सुखी कर पाएंगे। बच्चे केवल दिल के प्रेम से सुखी होते हैं, बच्चे केवल मन के भाव से प्रसन्न होते हैं, और उसको दे सकते हैं तो वो दीजिए। माता पिता तो पहले दें और लोग भी ये बात खास ध्यान रखें, बच्चे को इधर उधर का कुछ भी खिला के या उधर उधर का कुछ भी दिखा के हम उसको खुश कर रहे हैं, ऐसी भ्रमणा से बाहर आइए। इसमें ही हमारा और हमारे भावी पीढ़ी जैसे बच्चों का कल्याण है। नमस्कार।